हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो हम लास्ट टाइम कर रहे थे एचपीयू के लास्ट ईयर के डिफरेंशियल इक्वेशन के पेपर को सॉल्व। तो हमने इसको यूनिट 3 तक कर लिया था, आज हम करने वाले हैं यूनिट 4। और ये जो होगा इस वीडियो का लास्ट पार्ट होगा, आज ये क्वेश्चन पेपर हम पूरा सॉल्व कर देंगे। सो चलिए जल्दी से हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो यूनिट 4 है इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था, जो लास्ट पार्ट करवाया था, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो ए पार्ट है वो है फाइंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल स्फीयर्स हुज सेंटर लाइज ऑन जेड एक्सिस। ठीक है, तो चलिए हम जल्दी से इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए, जो मेरे पास जो क्वेश्चन है, मेरे पास क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है ऑल द स्फीयर्स, सभी स्फीयर्स के लिए, जिसका जो सेंटर होगा वो जेड एक्सिस पे लाई करेगा। किस पे लाई करेगा? जेड एक्सिस पर। तो जेड एक्सिस के लिए मैं क्या करूँगा, जो हम पॉइंट एज्यूम करते हैं ना, तो जेड एक्सिस के लिए मैं क्या करूँगा, देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है लेट सेंटर ऑफ स्फीयर ऑन जेड एक्सिस बी 0 0 c एंड रेडियस r। अब देखो यहाँ पर ये होता है एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, ये आपको पता होता है पॉइंट होते हैं एक्स वाई एंड जेड। मैं अभी जेड एक्सिस के लिए निकाल रहा हूँ ना, तो मैंने एक्स को भी जीरो रखा है, वाई को भी जीरो रखा है, और यहाँ पर जेड को मैंने सी ले लिया। ठीक है, आप इसको ऐसे मान के चल सकते हैं कि ये ए है और ये वी है और ये सी है। ठीक है, अब हमको बोला होगा अगर जेड एक्सिस के लिए निकालने के लिए तो मैं सिर्फ इसी को चूज करूंगा, इन दोनों को जीरो कर दूंगा। अगर मेरे को बोला होगा एक्स एक्सिस के लिए तो मैं इसको चूज करूंगा और इन दोनों को जीरो कर दूंगा। और अगर बोला होगा वाई के लिए तो मैं वाई को चूज करूंगा और इन दोनों को जीरो कर दूंगा। ठीक है, तो आप ऐसे पॉइंट्स को ले सकते हो। ठीक है, और मैंने यहाँ पर जेड एक्सिस के लिए ये लिए हैं पॉइंट एंड रेडियस इसकी मैंने आर माननी है। अब हम स्फीयर की इक्वेशन को यहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो एक्स माइनस जो एक्स का जो पॉइंट होगा वो माइनस करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस सिमिलरली वाई में भी करेंगे और सिमिलरली जेड में करेंगे, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जीरो है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड माइनस सी स्क्र इज इक्वल टू आर स्क्र। अब हम इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, ये हमने इक्वेशन में हमने पुट किया इनकी वैल्यूज को और सोल्व किया, और अब हम इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो जब मैं इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करता हूँ ना एक्स के साथ, तो मेरे पास आ जाएगा टू एक्स प्लस, इसको करूंगा मैं यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा टू जेड माइनस सी, और अंदर वाली टर्म को मैं दोबारा से करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा टू जेड माइनस सी एंड यहाँ पर आ गया डेल जेड अपॉन डेल एक्स। ठीक है, इसको मैंने दोबारा से पार्शियल डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्योंकि ये आर जो यहाँ पर कॉन्स्टेंट होगा ये जीरो के इक्वल आ जाएगा। और अब हम ऐसे ही इसको वाई के साथ भी पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, और जब मैं इसको वाई के साथ पार्शियल डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये देखो टू वाई प्लस यहाँ पर आ जाएगा टू जेड माइनस सी, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो मेरे पास ये आ जाएगा दिस इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर हमने इसको ये जो कर्ली जेड ओवर कर्ली एक्स होता है ना, डेल जेड ओवर डेल एक्स, इसको हम बोलते हैं पी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पी और इसको हम बोलते हैं क्यू। तो यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू को पुट कर दिया, यहाँ पर लिख दिया मैंने पी और यहाँ पर लिख दिया मैंने क्यू, दिस इज इक्वल टू जीरो एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। अब हम इसको सोल्व करेंगे इक्वेशन को, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, जेड माइनस सी, जेड माइनस सी मैंने इसको ऐसे रखा और इसको मैं ले गया इस तरफ, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस एक्स एंड इस पी को ले गया मैं नीचे, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस एक्स ओवर पी। एंड सिमिलरली यहाँ पर भी जेड माइनस सी आ रहा था, तो मैंने जेड माइनस सी को यहीं रखा और बाकी सबको मैं दूसरी तरफ ले गया, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस वाई एंड क्यू जो नीचे चला जाएगा। फिर जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो देखो इस तरफ भी जेड माइनस सी है, इस तरफ भी जेड माइनस सी है, तो इसका मतलब क्या है, राइट हैंड साइड जो होगी वो बराबर होंगी ना, तो इन दोनों को मैंने एक दूसरे के इक्वल कर दिया। तो यहाँ से नेगेटिव नेगेटिव कट हो जाएगा और इसको जब मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ, तो ऐसे लिख सकता हूँ क्यू एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्यू एक्स इज इक्वल टू पी वाई, और क्यू एक्स माइनस पी वाई इज इक्वल टू जीरो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गई मेरे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर ऑल द स्फीयर्स हू सेंट्रलाइज ऑन जेड एक्सिस। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट है सॉल्व लैग्रेंजेस लीनियर इक्वेशन फॉर जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, हमने लैग्रेंजेस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है इसका, और हमारे पास ये दी हुई है, तो ये तो मैंने लास्ट टाइम लेक्चर में भी करवाया था, सिमिलरली हम इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बी पार्ट ये क्वेश्चन लिख लिया है मैंने। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने लिखा और यहाँ पर मैंने इसको कंपेयर करना है पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर के साथ। ठीक है, ये लैग्रेंजेस लीनियर इक्वेशन होती है, इसके साथ हमने इसको कंपेयर करना है। यहाँ से हम पी की वैल्यू को, आर की वैल्यू को और क्यू की वैल्यू को निकालेंगे। P की वैल्यू को देखा मैंने यहाँ पर क्या आ रही है, 1। ठीक है, इसका जो कोफिशियंट होगा वो होगा कैपिटल P, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 एंड Q का कोफिशियंट है 3, तो वो आ जाएगा कैपिटल Q इज इक्वल टू 3 एंड R जो राइट हैंड साइड में जो भी होता है इनके अलावा वो R में आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया मेरे पास R में। और यहाँ पर देखो जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, डी एक्स अपॉन पी, पी की वैल्यू 1 है, और डी वाई अपॉन क्यू, क्यू की वैल्यू 3 है, और डी जेड अपॉन आर, आर की वैल्यू को मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया।
अब जब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करूंगा ना, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो मेरे से बच्चे पूछ भी रहे थे, सर कोई परफेक्ट तरीका बता दो, कोई मेथड बता दो। तो यहाँ पर ना इसको करने का कोई परफेक्ट तरीका नहीं होता है, यहाँ पर आपको ना थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको सोल्व करने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर देखो, मैं फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पर मैंने अगर फर्स्ट टू मेंबर्स को लेकर देखता हूँ ना यहाँ पर, क्योंकि मेरे को पता है यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, इनको इंटीग्रेट करना आसान हो जाएगा। तो मैंने फर्स्ट टू मेंबर्स को लिया, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, डी एक्स अपॉन वन दिस इज इक्वल टू डी वाई अपॉन थ्री, और इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, थ्री यहाँ आ जाएगा और वन यहाँ पर चला जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा थ्री डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई। और जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आ जाएगा, थ्री कॉन्स्टेंट है, थ्री बार आ जाएगा डी एक्स की एक्स होती है माइनस, ये इस तरफ था ना पहले, इस तरफ की डी वाई की क्या आएगी, वाई, वाई जो होगा इस तरफ आएगा, तो ये आ जाएगा माइनस वाई दिस इज इक्वल टू ए। ए के लिए हमने निकाल दिया। अब हम एक और सोल्यूशन निकालेंगे बी के लिए, तो उसको क्या करेंगे हम, अब देखो हमने कोई अदर टू मेंबर्स लेने हैं ना अभी हमने यहाँ पे, तो हम क्या ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर इन दोनों मेंबर्स को लेके सॉल्व किया, फर्स्ट एंड लास्ट मेंबर। तो अब हम इन दोनों को सॉल्व करके बी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर ना थोड़ा सा दिमाग लगा के हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ना, तो यहाँ पर देखो इसको हम कैसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखा कि जेड के नीचे जेड तो आ रहा है, बट यहाँ पर साथ में एक्स वाई भी आ रहा है, जिसकी वजह से इसको इंटीग्रेट करना मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर देखा कि जो थ्री एक्स माइनस वाई था ना, वही तो ए की वैल्यू थी, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया टेन ए बना दिया। अब हमको पता है ए जो है वो अर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है, तो ए जो होगा कॉन्स्टेंट होगा, तो हमको मतलब जेड, जेड के नीचे जेड तो मिल गया ना, अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो मैंने इसको वैसे ही किया है, डी एक्स अपॉन वन इज इक्वल टू डी जेड अपॉन फाइव जेड माइनस टेन ए, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा ना, इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा तो मैं इसको जब सोल्व करूंगा ना, तो मेरे को पुट करके इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो मैंने इसको कैसे पुट किया, यहाँ पर देख लीजिए, मैंने फाइव जेड माइनस टेन ए को टी पुट किया, ठीक है, फाइव जेड माइनस टेन ए को मैंने टी पुट किया ना। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे ना विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा फाइव जेड क्या आ जाएगा फाइव, एंड यहाँ पर देखो माइनस टेन ए है, तो यहाँ पर आ जाएगा जीरो, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट की जीरो हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी जेड हो जाएगा ना, ये वाला डी जेड इस तरफ आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फाइव डी जेड इज इक्वल टू डी टी। और हमको चाहिए किसकी वैल्यू, यहाँ पर मेरे को चाहिए डी जेड की वैल्यू, क्योंकि ऊपर मेरे पास डी जेड है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ डी जेड को रखूंगा, दूसरी वाली इस जो इसके साथ मल्टीप्लाई में मैं उसको दूसरी तरफ ले जाऊंगा, तो यहाँ पर आ जाएगा डी जेड इज इक्वल टू डी टी ओवर फाइव। अब मैं यही वैल्यूज जो है वो यहाँ पर पुट करूंगा ना इसमें, तब इसको जाके इंटीग्रेट करूंगा, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा डी एक्स अपॉन वन दिस इज इक्वल टू वन ओवर फाइव डी टी अपॉन टी, ठीक है, ये मैंने इनकी वैल्यूज को पुट कर दिया। अब मैं इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकता हूँ, तो डी एक्स की क्या आ जाएगी, एक्स दिस इज इक्वल टू वन ओवर फाइव कॉन्स्टेंट है, इसको मैंने बाहर ले लिया, एंड वन ओवर टी की क्या हो जाएगी, लॉग ऑफ टी प्लस बी। अब मैं यहाँ पर टी की वैल्यू को भर दूंगा, टी की वैल्यू को मैंने भरा, प्लस बी कर दिया। अब ये बी की वैल्यू चाहिए मेरे को, तो मैं इसको दूसरी तरफ ले जाऊंगा, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स माइनस वन ओवर फाइव लॉग ऑफ जो यहाँ पर था वो लिख दिया मैंने, और ए की जगह मैंने उसकी वैल्यू को दोबारा से पुट कर दिया, तो मेरे पास ये बी की वैल्यू आ गई, ठीक है। देखो कितना आसान होता है यहाँ पर करने के लिए, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको सोल्व करने की जरूरत होती है। तो यहाँ पर अभी इसका जो सोल्यूशन होगा, जनरल सोल्यूशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, मैंने आपको बोला था एफ ऑफ, आप यहाँ पर ए बी लिखो दोगे, क्योंकि ए बी को हम यू वी भी बोलते हैं, तो यहाँ पर हम इनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे और इज इक्वल टू जीरो कर देंगे, तो मेरे पास इसका जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर ए और बी की वैल्यू को भर दिया, दिस इज इक्वल टू जीरो, और ये मेरे पास आ गया जनरल सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर नाइन का जो ए पार्ट है वो है फाइंड अ कंप्लीट इंटेग्रल ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय चारपीट मेथड। अब देखो यहाँ पर आ गया चारपीट मेथड, ये जो था मैंने देखा था, इसका चेक किया था मैंने एचपीयू के सिलेबस में, ये शायद नहीं था और ना ही हमारी बुक में है ये, बट इन्होंने ये लास्ट ईयर में क्वेश्चन डाल दिया था। होता तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में ही होता है ना, ये वाला जो चारपीट मेथड का जो कंसेप्ट है ये इसी में आता है, बट ये हमारे सिलेबस में नहीं था, पर फिर भी इन्होंने डाला हुआ है। तो ये जो चारपीट मेथड है ना, ये थोड़ा सा बड़ा वाला कंसेप्ट है, तो इसको करवाने के लिए मेरे को अलग से लेक्चर लेना पड़ेगा, तो इस वीडियो में तो मैं इसको नहीं करवा सकता, बट मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करने की कोशिश करूंगा। तो अभी हम जो क्वेश्चन नंबर नाइन का जो ए पार्ट है, अब हम इसको नहीं करेंगे, सिर्फ बी पार्ट को करेंगे, क्योंकि ये मेरे को कहीं भी बुक में भी नहीं दिखा था और मैंने एचपी का सिलेबस जो चेक किया था उसमें भी ये नहीं था। तो बी पार्ट को देखते हैं, बी पार्ट है सोल्व एक्स वाई पी प्लस वाई स्क्वेयर क्यू प्लस टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जीरो। तो इसको सोल्व करते हैं, तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नाइन के बी पार्ट को मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब मैं इसको क्या करूँगा, ये देखो मेरे को पता है कि ये जो है लैग्रेंजेस लीनियर इक्वेशन से है, क्योंकि हमारे जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसमें सिर्फ वही बताई थी हमको ना। तो यहाँ पर देखो इसको मैं लैग्रेंजेस लीनियर इक्वेशन में बनाऊंगा, पी और क्यू को इस तरफ रखूंगा, बाकी सबको मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा। इसको लिया तो ये प्लस का बन जाएगा, ये वाला माइनस का बन जाएगा। अब मैं इसको कंपेयर करूंगा पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर के साथ, पी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास एक्स बी एक्स वाई जो इसका कोफिशियंट होता है ना, और क्यू की वैल्यू आ जाएगी वाई स्क्वेयर, एंड आर की वैल्यू जो इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जो भी है वो सारी आ जाएगी। और यहाँ पर जब इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाऊंगा तो डी एक्स अपॉन पी डी वाई अपॉन क्यू डी जेड अपॉन आर आ जाएगा। इनकी वैल्यूज को मैंने यहाँ पे भरा, अब मैं इसको यहाँ पर सोल्व करूंगा। तो यहाँ पर इसको फिर से सोल्व करते टाइम मैं थोड़ा इसको कॉमन सेंस के साथ थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको सोल्व करने की कोशिश करूंगा।
तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने इसके फर्स्ट टू मेंबर्स लिए हैं। अभी फर्स्ट टू मेंबर्स लेकर अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई के साथ एक वाई कट हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ वाई प्लस लॉग ऑफ ए, ये वाला इस तरफ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस लॉग वाई आ जाएगा ना, और लॉग एक्स माइनस लॉग वाई क्या हो जाएगा, लॉग एक्स अपॉन वाई, लॉग एम माइनस लॉग एन की वैल्यू वो प्रॉपर्टी लगा दी ना मैंने, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए, लॉग के साथ लॉग कट हो जाएगा, एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू ए, ये मेरे पास आ गई ए की वैल्यू। अब मैं निकालूंगा बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू के लिए मेरे को यहाँ पर फिर से टू मेंबर्स लेने पड़ेंगे, तो इस बार मैं फर्स्ट एंड लास्ट मेंबर को लेके देखता हूँ, फर्स्ट और लास्ट मेंबर को लूंगा और इसको सोल्व करूंगा। तो अभी मैंने फर्स्ट और लास्ट मेंबर्स यहाँ पर ले लिए हैं, तो यहाँ पर था डी एक्स अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू डी जेड अपॉन एक्स वाई जेड माइनस टू एक्स स्क्वेयर। अब यहाँ पर मैंने देखा ना कि यहाँ पर एक्स वाई यहाँ पर भी आ रहा है बट यहाँ पर वाई नहीं आ रहा है, फिर भी मैं चाहूँ तो यहाँ से इसको मतलब एक्स वाई को मैं कॉमन लेके इसको सोल्व कर सकता हूँ। यही तो यहाँ पर दिमाग लगाने वाली बात होती है, क्योंकि मेरे को यहाँ पर एक्स जो इसका वाई है ना, यहाँ पर वाई को एलिमिनेट करना है, वाई को एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास वाई का कोई, जैसे यहाँ पर डी एक्स है डी जेड है, यहाँ पर मेरे पास डी वाई नहीं है, इससे मैं इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकता, तो मेरे को वाई को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो इसलिए मेरे को यहाँ से इसके वाई को कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने देखा यहाँ पर एक्स वाई आ रहा है, यहाँ पर भी एक्स वाई आ रहा है और यहाँ पर वाई नहीं था, तो मैंने यहाँ पर सोचा कि एक्स वाई को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर मैंने एक्स वाई को कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचेगा जेड माइनस टू एक एक्स बार आ जाएगा, अंदर बचेगा एक्स, अब वाई नहीं था यहाँ पर, तो मैं इसको वाई के साथ डिवाइड कर सकता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स अपॉन वाई, और यहाँ पर एक्स वाई के साथ एक्स वाई कट जाएगा। अब यहाँ पर देखना है जो एक्स अपॉन वाई है ना, यही तो मेरे पास कॉन्स्टेंट की वैल्यू थी, जो मैंने ए की वैल्यू निकाली थी, ए की वैल्यू तो एक्स अपॉन वाई आई थी ना, तो मैंने यहाँ पर टू ए लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पर आ गया मेरे पास ये आ गया ना अभी मेरे पास। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, इंटीग्रेट करने में मेरे पास क्या आ जाएगा, डी एक्स क्या आ जाएगी एक्स, और यहाँ पर इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो यहाँ पर जो टू ए है ये तो कॉन्स्टेंट है, तो इसको मैं आसानी से इंटीग्रेट कर सकता हूँ, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ जेड माइनस टू ए प्लस बी, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास एक्स माइनस, ये वाला इस तरफ को ले गया मैं, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स माइनस लॉग जेड माइनस टू एक्स अपॉन वाई दिस इज इक्वल टू बी। तो अब ये मेरे पास बी की वैल्यू भी आ गई और ए की वैल्यू भी आ चुकी है, तो अब मैं इन दोनों को साथ में लिख दूंगा जनरल सोल्यूशन के लिए, एफ ऑफ ए की वैल्यू को लिख दिया कॉमा बी की वैल्यू को लिख दिया दिस इज इक्वल टू जीरो, और मेरे पास आ गया जनरल सोल्यूशन। ठीक है, इसी क्वेश्चन के साथ जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का लास्ट ईयर का एचपीयू का पेपर था ना, वो हमने यहाँ पर खत्म कर दिया है। तो आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, तो हो सकता है कि ये इस सेशन के लिए मेरी लास्ट वीडियो हो। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से दोबारा से पढ़ाना शुरू करेंगे, बीएससी फर्स्ट ईयर वालों को भी, बीएससी सेकंड ईयर वालों को भी हम दोबारा से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।